क्या कर रहे हो राठौड़ साहब, आप साहब कोई करो नहीं करो, एक टेलीफोन पर जयपुर का प्रशासन हमारा कॉन्फिडेंस लेता है कि हमने जिंदगी में कोई 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 इल प्रैक्टिस किसी चीज की नहीं की, इसलिए इसको ये तो किसी कीमत पर भी बिना सस्पेंशन नहीं माने भाई। कल अगर सुबह हो जाता साहब तो कल रात में ये फिर इसने मेरे को टेलीफोन किया, तो मैंने फिर उसको टेलीफोन किया, टेलीफोन पर बात की उसने, मैंने पहले वहां जो चौकी इंचार्ज था उसको कहा, उसने कहा जी हमारा काम तो है इनसे कागजों पर दस्तखत कराना, ये आ गए समय पर, आ गए हम भी चाहते हैं कि समय पर पोस्टमार्टम हो, ये इससे बात करो, क्यों नहीं दस्तखत करता ये श्यामलाल, श्यामलाल क्यों नहीं करता, मैंने बात की उस श्यामलाल से, उसके बाद मैंने ऊपर नीचे लिया तब जाके दस्तखत, ऐसे आदमी को नौकरी में रहने का अधिकार है साड़ी को, मतलब एक डेड बॉडी पड़ी है, उसने अपने जीवन को खत्म किया साहब, चाहे भावुकता में किया गुस्से में किया, ऐसे आदमी के खिलाफ की कार्रवाई की, वैसे आदमी थाना चला रहे, ऐसे आदमी के पास जांच है, मतलब हमें अच्छा नहीं लगता हम यहाँ आके बैठे, हमारे तो और काम बहुत है, मेरे को लंबा सफर करके सभाओं में जाना है, ये तो आपके पास आ गया नंबर एक बात, पहली बात तो है इसकी बरामदगी अब हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, तो कोई वो नहीं कब 5 दिन 7 दिन, आज इसकी इसका अपहरण किए हुए ताजी कितना दिन हो गया, 48 दिन हो गए, मैंने मल्टीपल बार कलेक्टर साहब एसपी साहब मैंने मल्टीपल बार आपके एसएचओ को ताकीद किया, मैंने कहा देखो आपके पास आइडेंटिफाइड है कांगी इसके साथ है, अरे आप और नहीं तो उनके परिवार के लोगों को बुला के धमकाते करते बात समझ लो, कोई साहब एक साहब एक आपने 60 लाख रुपए लिए, चूरू जिले के अंदर पुलिस अत्याचार और अनाचार में लगी है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, छोट वसूली का आलम है, और उसी बीच में एक नाबालिग बच्ची के अपहरण पर जब परिवारजनों ने एफआईआर दर्ज करने पर कार्रवाई नहीं हुई और बार बार ज्ञापन दिए, हम लोगों ने भी बात की और उससे शुभ होकर जब उन्होंने परिवार के उसके पिताजी के रहते हैं विदेश में और पिताजी के बड़े भाई ने कहा क्या मैं आत्महत्या कर लूँगा, तो संबंधित जांचकर्ता ने कहा आत्महत्या कर लो, उस पर उन्होंने आत्महत्या कर ली, उस पर आज डेड बॉडी यहाँ रखी हुई है, हजारों लोग उनके चारों तरफ बैठे हैं, हम हमारी अभी भी बात हुई है, हमारी बातों पर कुछ बातों पर सहमति हुई है, उन बातों को लेकर अभी हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से बात करेंगे उसके बाद आगे निर्णय। कलेक्ट्रेट कार्यालय में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और प्रशासन के बीच समझौते के बाद आज धरना समाप्त हुआ। दरअसल नाबालिग भतीजी के अपहरण से आज ताऊ सुरजाराम ने कीटनाशक का सेवन कर आत्महत्या कर ली थी, जिसमें उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग व एसपी दिगंत आनंद ने के बीच चली वार्ता में बने समझौते के बाद ही धरना समाप्त किया गया और मृतक के लिए अंतिम संस्कार के लिए परिजन तैयार हुए।